व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करी हूँ बहुत ही मज़ेदार होने वाली, क्योंकि बकरीद आ चुकी है और सबके घरों में बहुत सारा गोश्त पड़ा हुआ है, तो हमने सोचा आपके लिए मज़ेदार मज़ेदार किस्म की रेसिपीज लेके आएँ और इन्जॉय करें बकरीद की दावतों को। तो आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करें, उस रेसिपी का नाम है बीफ रोगन जोश। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है। आप एक बार खाएंगे तो दोबारा आपका दिल चाहेगा कि खाएं। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बीफ रोगन जोश बनाने के लिए देख सकते हैं हमने 1 kg हड्डी वाला गोश्त ले लिया, बीफ का गोश्त लिया जिसे हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। और यहाँ हमने ले लिया 1/2 kg प्याज जिसे हमने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। और यहाँ हम ऐड करेंगे साबुत खड़े मसाले, 1 अदद तेज़पत्ता, 2 अदद हरी इलायची, 6 अदद लौंग, 1 अदद दालचीनी की स्टिक और 1 teaspoon काली मिर्चें। और यहाँ 150 ग्राम दही जिसे हमने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है। तो जो मजीद चीज़ें जाएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते रहेंगे। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ देख सकते हैं बीफ रोगन जोश बनाने के लिए यहाँ हमने एक पोट लिया। पोट के अंदर हम ऐड करेंगे 2 tablespoon बटर और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 cup घी। और आज हम इसको बनाएंगे बटर और घी के साथ, तैयार करेंगे बीफ रोगन जोश को। इसे हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं मिक्स, यहाँ देख सकते हैं हमने 2 tablespoon बटर डाला था और 1/2 cup हमने इसमें घी ऐड करा था। इसे अच्छी तरीके से हम मेल्ट कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे काली मिर्चें, तेज़पत्ता, हरी इलायची, लौंग और दालचीनी के स्टिक। इन तमाम खड़े मसालों को हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसे हम 1 मिनट तक अच्छी तरीके से करेंगे कुक। घी और मक्खन के अंदर तमाम खड़े मसालों का फ्लेवर शामिल है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है बीफ रोगन जोश। 1 मिनट हो चुका, तमाम खड़े मसालों को अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज स्लाइस में कटी हुई 1/2 kg और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से कर लेंगे कुक। प्याज काटने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप इसे पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, हमारी प्याज की मेहनत को वसूल कीजिएगा। हमने 1/2 kg प्याज ऐड कर दिया स्लाइस में कटी। प्याज को हम अच्छी तरीके से कर लेंगे सॉफ्ट। यहाँ देख सकते हैं प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बीफ का गोश्त। अब इसमें ऐड कर रहे हैं बीफ का गोश्त। यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ बीफ का गोश्त इसमें ऐड कर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में इसमें ऐड कर देंगे 1 पाव दही, 250 ग्राम दही। देख सकते हैं हमने दही ऐड कर दिया, गोश्त ऐड कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 6 से 7 मिनट अच्छी तरीके से करेंगे कुक। चलो यहाँ देख सकते हैं हमने तमाम चीज़ें इसमें डाल के इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से कर लिया है कुक। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। करेंगे 1 teaspoon रेड चिली पाउडर, हल्दी 1/2 teaspoon, धनिया पाउडर 1 teaspoon, 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च हमने इसमें ऐड कर दिया, 1/2 teaspoon, 1/2 teaspoon पिसा गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर 1/4 teaspoon। यहाँ हमने नमक ऐड किया 1 teaspoon, ये अपने टेस्ट के मुताबिक। चीज़ों को अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। देख सकते हैं हमने 5 से 6 मिनट तक तमाम मसालों के इसे अच्छी तरीके से भून लिया। इसमें ऐड कर देंगे हम पानी, 1 लीटर पानी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसको प्रेशर कुकर में नहीं पका रहे, पोट में पका रहे हैं, इसलिए हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी गोश्त टेंडर हो जाता है और देखते हुए पतीले में टाइम लगता है कुक होने में, क्योंकि हमने इसमें ऐड कर दिया 1 लीटर पानी। ये 1 लीटर पानी इसमें ऐड कर दिया, इसे हम कवर करके रखेंगे 45 मिनट्स के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। 45 मिनट्स के ब्रेक के फिर आपको दिखाएंगे हम बीफ रोगन जोश का लुक। यहाँ देख सकते हैं हमें 45 मिनट्स हो चुके हैं बीफ रोगन जोश को कुक करते हुए। इसका हम कवर हटा के आपको उसका लुक दिखा देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत उसका लुक आ रहा है बीफ रोगन जोश का। ऑयल सेपरेट हो चुका है और तमाम गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है। गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है, इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। बीफ रोगन जोश को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, गोश्त टेंडर हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे मज़ीद चीज़ें। बीफ रोगन जोश के अंदर हम ऐड करेंगे जूलियन कटी अदरक। ये जूलियन कटी हम अदरक इसमें ऐड कर रहे हैं बीफ रोगन जोश में, जो मज़ीद चार चांद लगाती है और हसीन बनाती है। उसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च जिसे हमने बारीक कटिंग कर लिया है, जो मज़ीद चार चांद लगाएंगे और हसीन बनाएंगी बीफ रोगन जोश को, और मज़ीद चार चांद लगाएगा ये बारीक कटा हरा धनिया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलकश लगता है इससे, और बहुत ही हसीन रेसिपीज बनके रेडी होती हैं इससे। तीनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी, इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करते हैं। हम इसे अच्छी तरीके से कर रहे हैं मिक्स।
बीफ रोगन जोश को आप इसे ज़रूर बनाइएगा और लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। बकरीद की दावतों में लगाइएगा चार चांद, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय कीजिएगा दावतों को और भरपूर इंजॉय कीजिए और कमेंट्स करके बताएं कि बीफ रोगन जोश कैसा बना। अब हम इसे डिश आउट करने का दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। चलो यहाँ देख सकते हैं बीफ रोगन जोश हो चुका है कम्प्लीट रेडी। से हमने डिश आउट कर लिया और सबने गार्निश करा हरी मिर्च हरा धनिया अदरक के साथ। बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी और बहुत ही ज़्यादा डिशेज बनके तैयार होते हैं। आप नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ और राइस के साथ खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आप इसे दावतों में बना सकते हैं, पार्टी में भी बना सकते हैं और चार चांद लगा सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।